फ्रीलांसिंग चैलेंज 7 दिन के लिए और मेरा गोल है 1000 रुपीज का। और अगर ये गोल मैं पूरा नहीं कर पाया तो ये मेरा दोस्त है और ये मेरी आईब्रोज को उड़ा देगा। तो आज है मेरा पहला दिन और मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी फ्रीलांसिंग सर्विसेज करूँगा। और फिर 10 मिनट तक मैं कंटिन्यूसली सोच में लग गया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, और मुझे पता पड़ा कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं ठीक ठाक हूँ, जैसे कि कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और थंबनेल मेकिंग। तो फिर मैं काम पे लग गया। मैंने सबसे पहले एक इंस्टाग्राम पेज बनाया और मैं जितने भी फ्रीलांस सर्विसेज ऑफर करने वाला था मैंने उनके ऊपर एक पोस्ट बनाया और उसे भी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। और अब तक मैंने जितने भी वीडियोस एडिट किए हैं, थंबनेल्स बनाए हैं, उन सबको भी मैंने वहाँ की हाईलाइट्स में डाल दिया ताकि अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो देख सकता है कि हाँ मैंने क्या क्या काम किया है। और फिर मैंने पूरे दिन वेट किया लेकिन मुझे एक भी क्लाइंट का मैसेज नहीं आया। यार, अब तक मैंने जितने भी फ्रीलांस पेजेस देखे उन सबके इंस्टाग्राम पेजेस भी सेम ऐसे के ऐसे ही होते हैं और फिर भी उन्हें इतने सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। और अब रात भी हो चुकी है और मेरा पहला दिन खत्म हो चुका है। और सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरा एक दिन पूरा वेस्ट हो चुका है और मेरी आईब्रोज टॉप पर है। तो आज है दूसरा दिन और मुझे पता पड़ गया है कि प्रॉब्लम क्या है। मैं भी वही सेम चीज कर रहा हूँ जो बाकी के फ्रीलांसर्स करते हैं, और अगर मुझे जल्दी क्लाइंट्स चाहिए तो मुझे कुछ अलग और यूनिक करना पड़ेगा। तो मैंने बनाया है एक नया प्लान। तो स्टेप नंबर 1, एक नया पेज। मुझे एक ऐसा पेज चाहिए जिस पे एटलीस्ट 100 से ज्यादा फॉलोअर्स हो। मेरे पास एक पेज है जिसका नाम है लर्न बिजनेस IG। मैं पहले इस पे रील्स अपलोड किया करता था तो अब मैं इसी पे अपना चैलेंज कंटिन्यू करूंगा। स्टेप नंबर 2, सामग्री विपणन यानी कि कंटेंट मार्केटिंग। गूगल पे देख लेना, ये सही है। मैं एक रील बनाऊंगा और उसमें मैं अपनी जो भी फ्रीलांसिंग सर्विसेज है मैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा और मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके बारे में बताऊंगा ताकि लोगों को मेरे पे ज्यादा भरोसा हो। स्टेप नंबर 3, द बुल्स आई। मैं मेरी रील्स को इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को भेजूंगा क्योंकि वो लोग ही मेरी टारगेट ऑडियंस है। स्टेप नंबर 4, इंतजार। हमें वेट करना होगा कि हमें हमारा पहला क्लाइंट कब मिलेगा। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। तो मेरा बुलजाए काम आ गया, मुझे मिल गया है मेरा पहला क्लाइंट और वो चाहते हैं कि मैं उनके YouTube वीडियो के लिए एक थंबनेल बनाऊं। फिर मैंने उनसे डील पक्की कर दी और उन्होंने मुझे थंबनेल के फोटोज भी भेज दिए। अब मैं कुछ ऐसे ही थंबनेल नहीं बनाने वाला हूं, मैं बहुत सोच समझ के उसे बनाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले कुछ रॉ थंबनेल के लिए लेआउट डिजाइन किए, मेरी ड्राइंग वैसे इतनी भी अच्छी नहीं है। फिर मैंने थंबनेल बनाना शुरू किया और आधे घंटे में मैंने मेरा थंबनेल तैयार कर दिया था और मैंने एक ही थंबनेल के 3 वर्जन बनाए थे। और फिर मैंने उन्हें वो थंबनेल्स को भेजा और उन्होंने मुझे 150 रुपीज गूगल पे किया। अब मुझे पता है कि मैंने प्राइस बहुत कम रखी है लेकिन यार मैं फुल टाइम फ्रीलांसर नहीं हूँ और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसे बहुत कम रखा। और फिलहाल हमें ये देखना होगा कि हमारे क्लाइंट्स बार बार हमारे पास कैसे आए। और मैंने जो थंबनेल बनाया था मैंने उसके ऊपर भी एक रील बनाई और मेरे पेज पे अपलोड कर दिया ताकि दूसरे क्लाइंट्स को पता पड़े कि मैं कैसे थंबनेल्स बनाता हूँ। और उसके बाद में मुझे एक और क्लाइंट मिला और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करूं। उन्हें 2 रील्स की स्क्रिप्ट चाहिए थी तो मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। और फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे टॉपिक समझाया और मैंने स्क्रिप्ट बनाना शुरू किया। तो मैं लिख रहा था लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने वंडरशेयर वर्बो पे जाके वहां के स्क्रिप्ट जनरेटर को यूज किया। और तुम लोग भी कमेंट्स में लिखते हो कि कैसे तुम लोग बिना फेस दिखाए पैसे कमा सकते हो, तो ये वाला पार्ट पूरा देखना। तो मैंने यूज किया था वंडरशेयर वर्बो, ऐसा ऐप है जिससे तुम लोग AI का यूज करके कमाल कर सकते। अब मैं तुम्हें इसके फीचर समझाता हूँ। तो सबसे पहला फीचर है कि तुम लोग इसमें AI अवतार बना सकते हो। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत आसानी से एक AI अवतार बना दिया है। अब मैं जो चाहूँ मैं इससे बुलवा सकता हूँ। और यही नहीं बल्कि तुम लोग टेक्स्ट को स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है और तुम्हें जो वॉइस पसंद आ रही है तुम लोग उसे यूज कर सकते हो। तो अब समझो तुम लोग एक कॉन्टेंट क्रिएटर और तुम्हें स्क्रिप्ट बनाना है कोई भी टॉपिक पे, तुम लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तुम लोग बस अपने वीडियो का टॉपिक डालो और इसमें AI तुम्हें स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा और पूरी स्क्रिप्ट जनरेट करके देती है इसने। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टूल ये है कि तुम लोग यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखो और ये उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना देगा। एक सबसे कमाल की बात ये है कि तुम इस ऐप को यूज करके बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हो। तुम लोग इससे YouTube पर फेसलेस चैनल क्रिएट कर सकते हो, Instagram पे पेजेस बना सकते हो। इसमें तुम्हें 2 मिनट का फ्री वीडियो क्रेडिट ही मिल रहा है तो तुम लोग इससे पहले यूज कर सकते हो। तो अभी क्या, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक को क्लिक करो और डाउनलोड करो वंडरशेयर वर्बो और मुझे कमेंट में बताओ कि ये ऐप तुम्हें कैसा लगा। फिर मैंने उन्हें दोनों स्क्रिप्ट्स व्हाट्सएप पर भेज दी और उन्हें वो अच्छी लगी और फिर उन्होंने मुझे 100 रुपीज जीपे कर दिए और हमारा day 3 भी खत्म होने आ चुका है और अब तक हम लोगों ने टोटल 250 रुपीज कमाए हैं। और अगर मुझे मेरी आईब्रोज को बचाना है
तो मुझे 750 रुपए 4 दिन के अंदर अंदर कमाने पड़ेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आज है day 4 और मेरे साथ एक बहुत बढ़िया चीज हुई है। तो एक पेज है आर्टिफिक्स स्टूडियो और कल मैंने इन्हीं के लिए वो 2 स्क्रिप्ट बनाई थी और आज वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक वीडियो एडिट करूं। तो मैंने जो स्क्रिप्ट बनाकर इनको दी थी उसमें से उन्होंने एक वीडियो बनाया और फिर उन्होंने वो वीडियो मुझे भेजा और अब मैं उसे एडिट करने वाला हूं। तो फिर मैंने उसे 1 घंटे में एडिट कर दिया और उन्हें भेज दिया और उन्हें वो वीडियो काफी अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे 200 रुपीज जीपे किया और मैंने इस प्रोजेक्ट पर एक रील भी बनाई और मेरे पेज पे अपलोड कर दी। तो हमारा day 4 भी खत्म हो चुका है और मैंने कमाए हैं 450 रुपीज अब तक और मेरे पास 3 दिन है 550 रुपीज और कमाने के लिए। तो आज था मेरा 5वां दिन और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो सुबह उठते ही मैंने थोड़े और क्रिएटर्स को मेरी इंट्रोडक्शन वाली रील भेजी और ये करने के बाद भी मुझे शाम तक कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन फिर आर्टिफिक्स स्टूडियोज का एक मैसेज आया और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए एक और स्क्रिप्ट लिखूं। तो फिर उन्होंने मुझे रील का टॉपिक बताया और उस हिसाब से मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी और ऑफ कोर्स उन्हें वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी और फिर उन्होंने मुझे 50 रुपीज ट्रांसफर किए और बस वही था मेरा लास्ट काम पूरे दिन का। उसके बाद में मुझे एक भी क्लाइंट का मैसेज नहीं आया और अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन है और मुझे 500 रुपए कमाने। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। day 6 पे मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिला। मैंने पूरे दिन वेट किया लेकिन मुझे लगा कि day 7 पे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन day 7 पे भी मैंने पूरा वेट किया और मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिला और अब मेरे दोस्त आ चुके हैं। क्या कर रहा है? ये मंगा रहा हूं क्योंकि अब मेरे को यही पहन के घूमना पड़ेगा हर जगह। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरा क्या हाल हुआ है। मैंने अभी तक खुद को मिरर में देखा नहीं है। मुझे एक बहुत बुरा सपना आया और जब से मैं उठा हूँ मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। और आज ही मुझे एक नए क्लाइंट मिले और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए एक थंबनेल बनाऊँ। लेकिन मुझे एक क्लाइंट मिला है जो मुझे 500 रुपये देने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए 8 मिनट का एक वीडियो एडिट करूं। लेकिन उन्होंने सबसे पहले मुझे 20 सेकंड की एक फुटेज दी और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें फ्री में एक सैंपल एडिट करके दूं। तो सबसे पहले मैं थंबनेल फिनिश करूंगा और फिर मैं इनका वीडियो एडिट करूंगा। लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि शायद अगर हमें वो 500 रुपये का क्लाइंट मिल गया तो हम लोग ये चैलेंज जीत जाएंगे और मेरी आईब्रोज बच जाएगी। और हाँ, वैसे मैं मेरे अगले वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने मेरे YouTube चैनल को इतनी जल्दी ग्रो किया। और अगर तुम लोग चाहते हो कि वो वीडियो मैं जल्दी डालूँ तो जब मेरे चैनल पे 1,15,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर कितने जल्दी बढ़ते हैं। एनीवेज, तो मैंने 1 घंटे में वो थंबनेल को तैयार कर दिया और फिर मैंने उसे अपने क्लाइंट को भेज दिया और उन्हें वो अच्छा लगा और उन्होंने मुझे 150 रुपीज़ गूगल पे किया। और उसके बाद में मैंने एक 3 घंटे का ब्रेक ले लिया बिकॉज ऑलरेडी मेरे को मालूम है कि मेरे को 500 रुपीज़ का एक क्लाइंट मिलने वाला है तो ये चैलेंज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और फिर ब्रेक के बाद में उन्होंने जो मुझे 20 सेकंड्स की फुटेज दी थी उसका मैंने सैम्पल एडिट बना के उन्हें भेजा। लेकिन उनका मैसेज आया कि उन्होंने ऑलरेडी कोई दूसरे फ्रीलांसर को वो प्रोजेक्ट दे दिया है क्योंकि उन्हें वो थोड़ा जल्दी चाहिए था। और मैंने उन्हें सीधा 5 घंटे बाद रिप्लाई दिया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा रिएक्शन क्या था। 500 रुपये का क्लाइंट, 500 रुपये का क्लाइंट मेरे हाथ से चला गया। मैं उसका सैंपल एडिट कर सकता था लेकिन मुझे 3 घंटे का ब्रेक पता नहीं क्यों। मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा है आज। तो day 6 खत्म हो चुका है, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। और कल मेरा लास्ट डे है और मुझे 350 रुपीज कोई भी हालत में कमाने पड़ेंगे। आज है वो दिन, पता पड़ जाएगा कि मेरी आईब्रोज बचेगी या नहीं। तो अभी जस्ट मुझे एक वीडियो एडिटिंग का काम मिला है। मैं जो इतने टाइम से पुराने प्रोजेक्ट्स की रील डाल रहा था वो क्लाइंट उन्हीं रील्स को देखकर मेरे पास आया है। एनीवेज, उन्होंने मुझे रॉ फुटेज भेजी और 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने उन्हें एडिट करके उन्हें वापस भेज दिया और फिर उन्होंने मुझे 200 रुपीज जीपे पे ट्रांसफर कर दिए। तो बस अब चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए मुझे कमाने 150 रुपीज। तो सबसे पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दिया कि मैं थंबनेल बना रहा हूं 150 रुपीज के लिए। पहले जब क्लाइंट्स काम के लिए आते थे फिर मैं उन्हें प्राइस बताता था लेकिन इस बार मैंने डायरेक्ट स्टोरी में डाल दिया है कि मैं इतना प्राइस लेता हूं और मुझे लग रहा था कि शायद ये सच में काम कर जाए। लेकिन रात के 8 बज गए थे लेकिन फिर भी मुझे कोई मैसेज नहीं आया और फिर फाइनली रात के 9 बजे मुझे एक क्लाइंट मिल गया और उन्हें भी थंबनेल चाहिए था और वो मुझे 150 रुपीज पे करने वाले थे। तो उन्होंने मुझे कुछ फोटोज भेजी और मैंने 11 बजे तक उनका थंबनेल तैयार कर दिया और फिर मैंने उन्हें भेज दिया और फिर उन्होंने मुझे 150 रुपीज जी पे किया और इसी से हम लोगों ने टोटल 1,000 रुपए कमाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ
एक्चुअली ज्यादा कमाने चाहिए थे, लेकिन मैंने 7 दिन में 1000 रुपए कमाए। और जैसे ही हमारे 1,15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं अपना नया वीडियो डाल दूंगा। और हाँ, वैसे ये मेकअप है, ये असली में मैंने आईब्रो शेव नहीं किए।